नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा बसाओ एक समाज सेवक, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बसाओ, इनका जन्म हुआ था 1134 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1196, यानी कि ये 12वीं शताब्दी में इनका जो है जन्म हुआ था और उसी 12वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर से एक बार बता देता हूं, इनका जन्म 1134 शैव लिंगायत मत के पवित्र ग्रंथ में से एक बसव पुराण के रचयिता है। परंपरा के अनुसार वो वीर शैव के वास्तविक संस्थापक थे, परंतु चालुक्य अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने वास्तव में पहले से मौजूद मत को पुनर्जीवित किया। बसाओ ने वीर शैव संस्थाओं को सहायता देकर और वीर शैव मत की शिक्षा देकर प्रचार में सहायता दी थी। बसाओ के चाचा प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बसाओ को कोषागार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। कई वर्ष तक उनके गुट को काफी लोकप्रियता मिलती रही, परंतु दरबार में अन्य गुट उनकी शक्ति और उनकी शहम में वीर शैल मत के प्रसार से क्षुब्ध थे। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण वो राज्य छोड़कर चले गए और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। भगवान शिव की स्तुति में उनके रचित भजनों से उन्हें कन्नड़ साहित्य में प्रमुख स्थान तथा हिंदू भक्ति साहित्य में भी स्थान मिला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने जो आपको बसाओ के बारे में आपको जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।